मेरी खुशकिस्मती है, अभी कुछ ही दिनों पहले आनंद महिंद्रा जी ने एक वीडियो शेयर किया है जो हमारी स्टोरी थी, उस वीडियो को शेयर किया है। और उसके बाद तो मानो भूचाल आ गया है, ये समझिए आप। आइए, आपका भी स्वागत है इंदौर के रहने वाले शिवम सोनी के रेस्टोरेंट हंगर लंगर में, जहां हर चीज सिर्फ 10 रुपए में मिल जाती है। वड़ा पाव, मेदू वड़ा, बिरयानी, मसाला डोसा और भी बहुत कुछ। लेकिन 26 साल के शिवम को हंगर लंगर खोलने की सूझी कैसे? दरअसल 2016 में शिवम अपने गांव में छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते थे। उनका रेस्टोरेंट काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन 2018 में एक बीमारी के कारण उन्हें काम बंद करना पड़ा। इसके बाद शिवम इतने हताश हो गए थे कि घर वालों के लिए एक सुसाइड नोट छोड़कर इंदौर चले गए। लेकिन इत्तेफाक से जिस दिन वो इंदौर पहुंचे, उसी दिन से लॉकडाउन शुरू हो गया। मैंने इंदौर में उस समय ऐसे दिन फेस किए हैं कि मेरे पास खाने के लिए नहीं होता था, दो दो दिन भूखा रहता था। मैं कुछ पैसे, चंद रुपए लेकर निकला था, तकरीबन 300 से 400 रुपए लेकर निकला था मैं। इंदौर में रहने की ऐसी कोई खास व्यवस्था नहीं थी और पुलिस कानून उस समय काफ़ी ज़्यादा सख्त था, जिसकी वजह से मुझे छुप कर गलियों में, सड़कों पर, फुटपाथ पर अपनी रात गुजारनी पड़ी। कई बार तो शिवम एक अस्पताल के बाहर सोया करते थे, लेकिन फिर उन्हें उसी अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल गई। ऐसे ही मैंने 5 से 6 महीने में मैंने उस पैसे को जोड़ के, और जब गवर्नमेंट से अनाउंस कर लिया गया कि लॉकडाउन अब थोड़ा बहुत खोल दिया जाएगा, तब मैंने एक सुरक्षित अच्छी जगह देख के हंगर लंगर शुरू किया। शिवम बस यही चाहते हैं कि कोई भी इंसान भूखा ना रहे। वैसे तो यहाँ हर चीज 10 रुपए में मिलती है, लेकिन जिन लोगों के पास 10 रुपए भी नहीं होते, उन्हें शिवम मुफ्त में खाना खिलाते हैं। शिवम से मिलने के लिए या हंगर लंगर का स्वादिष्ट खाना खाने के लिए आप इस पते पर जा सकते हैं। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए फॉलो करें द बेटर इंडिया हिंदी को।